होम सेक्रेटरी आईएएस, आपकी तारीफ आज तक किसी ने की ही नहीं, क्या बोलूं? शर्ट बड़े भाई का पहना है क्या? धोबी से एक दिन के लिए उधार पर लिया है। दिल में एक डर सा है कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। यही डर तो बताता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। आदित्य, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूं। तुम मिनिस्टर बन गए और मैं लोगों को आनंद ग्राम का तोहफा देने जा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, हमारी कॉलोनी में पूजा है, आशीर्वाद देके जाइए। अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते बेटा, जाओ। जैसे आज्ञा पिताजी। नमस्ते। पापा, पापा, छोड़ो मुझे पिताजी। अरे छोड़ दो मुझे, पिताजी के पास जाना है। छोड़ो, अरे छोड़ो पिताजी। ब्रेकिंग न्यूज, आज होम मिनिस्टर आदित्य भूपति की कार में बॉम्ब धमाका हुआ। इस आतंकी हमले में वो बाल बाल बचे, लेकिन उनके पिता पूर्व मंत्री आनंद भूपति का इस हमले में देहांत हो गया। पीछे पीछे पीछे, रास्ता दो, रास्ता छोड़ो, रास्ता। ए, पीछे, पीछे। बड़े भैया, आदित्य भूपति, आदित्य भूपति। अबे तेरी, पापा। पिताजी को तुमने मारा है क्या? अनाथों को 10 पीस का नोट देते हैं, उन पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लुटाता है पगले। अरे पर गाड़ी में मैं भी था, मैं उड़ जाता तो? ये बात किसी को बताई तो तू भी उड़ जाएगा। भैया, भैया मैं आपका छोटा भाई। भाई बहन हो या माँ बाप, सबको मरना है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। सर, मुझे स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है फ्रॉम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। फिलहाल हालात को संभालो। ठीक है भैया। जी सर। आदित्य भूपति, एक रात गुजारने की बात क्या कही, तुम तो सीधे चले आई। फुट मसाज देना। फुट मसाज के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा। अली बैठकर खाली। कैसा था मसाज? तू नहीं सुधरेगा। मार ले, खोपड़े पे ठंडा पानी मार ले। डांडेकार, चल ब्रश कर। गुड मॉर्निंग। <Good morning. laughs>
नमस्कार जज साहब, आदाब वकील लोग। इस आदमी को जानते हो? चमक वही जो पियामन भाई। क्या बोल रही है? भूली गयो, ही मेरा कलीगा है। पैदा होने के बाद पहली बार देख रहा हूँ। हम एक ही वार्ड में पैदा हुए थे। ये झूठ बोल रहा है सर। ये लोग बचपन से एलकेजी साथ में ही जाते थे। भांग पिए क्या? चुप कर। तुम जरा शांत रहोगे? हाँ रवि तेजा, इसने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल की वार्ड से लेके हॉस्टल की खाट तक ये अभागा मुझसे चिपकता आया है। क्या मैं चिपका? हाँ, लिपटा लिपटी। नहाते वक्त ये पीछे से आकर मेरी पीठ मसलता था। अबे ये मेरे फ्रेंड्स का तौलिया भी खींच चुका है। मैंने खुद देखा है। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये रात को ना तेजस्विनी को छोड़ के तेजा के पास भाग जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी शादी को ना 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मी नानी नहीं बनी। मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरा पासपोर्ट साइज फोटो इसके बटुए में है। इस पे तो दाग लगा है। दाग लगने से हर बार अच्छा नहीं होता है, बुरा हुआ है। पोछे पोछे पोछे। ये तो तुम हो। इसी वजह से मेरे को 2 लाख चाहिए। तुम्हें तलाक भी मिलेगा और 2 लाख भी। तूने इसका तलाक क्यों करवाया रे? शादी के पहले बोला दहेज नहीं चाहिए, शादी के बाद बोला कार चाहिए। हाँ? बोलो बहना। मेरी जिंदगी बचा ली, थैंक्स। हिंदुस्तानी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। ये लो तुम्हारी फीस। गड्डी हल्की है, और नोट डाल। अरे नेक्स्ट टाइम बढ़ाता हूँ ना। बढ़ाता हूँ बोल के 4 बच्चे हो गए, कब बढ़ाएगा पता नहीं। अले बेन, गुजरात जा स्टैचू देख के आ। ये किस लिए? मेरे को भाई बोली 9,000 मेरी तरफ से, 1,000 इन लोगों की तरफ से। रक्षाबंधन के दिन उंधियू बनाकर रखना, मैं थेपले लेकर आऊंगा। ओके बाय बाय। आओ जो, ये तो चल। तो क्या है ये? ये बचपन से अनाथ है, इसलिए पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। लोगों की मदद करके वो उनसे रिश्ते जोड़ लेता है। सच्चाई को जिताने के लिए झूठी गवाही देता है। लोगों को न्याय दिलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ए, खास के उसमें। लगता है विरार लोकल में नहीं बैठा। नरेंद्र भाई 4 कटिंग मारो। हाँ तेजा भाई, लेकर आता हूँ। कम शक्कर वाले। आज स्कूल बंक किया क्या? आज गुरु पूर्णिमा है। ओ। पैसे काय को? मैंने तुमसे उधार लिए थे। जैसे नाखून बढ़ते ना, वैसे आजकल स्कूल की फीस बढ़ती है। सुषमा ताई, पैसा बच्ची के फीस के लिए, इन्हें पीने मत देना। पीना छोड़ दिया है। जेब में रखो। ले ओ रे बाबा, फीस भर देना। जा खारी टोसला। अइला, डर गया मैं। टकले, सिगरेट पिएगा? तेरा खून पीऊंगा। खून? सिगरेट पी, सिगरेट पी, सिगरेट पी, सिगरेट नहीं ली तेरी चुम्मी तेरे मुंह से निकला। अम्मी 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 अम्मी। लड़कियां शादी इसलिए नहीं करती कि तुम जैसे लालची दहेज के लिए उनका शोषण करो। जरा सा क्रोस हुआ और डिवोर्स हुआ। उपमा में मेरे माँ के हाथ का टेस्ट नहीं, और चाय मेरी बहन की तरह बनाती नहीं है, इसलिए डिवोर्स देगा। लगता है तूने मेरा मर्डर फिक्स कर दिया है। चलता हूँ। होड़ डालो, होड़ आने वाला है। हेलो, वंदे मातरम सर, आईपीएस ऑफिसर सर। चल शुरू हो जा। बैच नंबर 420, बैच नंबर 9211, एपीएस, बीपीएस, सीपीएस, जीपीएस सर, बैच 67, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2000 स्ट्रॉन्ग विद सोना सर। ऑफिसर अंडर पॉलिथिन कवर सर। लगता है पुलिस का गॉडफादर है। तो कल्टी सीटा मॉल मारना। ये सोलर पैनल चार्जिंग खत्म हो गई। ले, तेरा सोलर पैनल ही रिपेयर कर देता हूँ। चल। ए रवि, अगर तू आईपीएस है तो मैं होम मिनिस्टर हूँ। भाग है सब के सब। अरे क्या टाइम खोटी कर रहा है। आता हूँ आता हूँ, नंबर प्लेट नंबर। चल 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 भाई। ये कौन है मैन? ये चिरकुट लोग कौन है? मेरे लंगोटी यार। जीरो जरूरी है या हीरो? क्या नजर है, इन्हें पहचान लिया? मैं नहीं पहचान पाया। ये बच्चा पार्टी से तेरा क्या कनेक्शन है? सबसे बड़ा कनेक्शन दिल का होता है, तू नहीं समझेगा। दिल का कनेक्शन? ये मैदान में सब गुटखा खा के थूकेला था, अपन सुबह से आके इधर साफ किया, लेकिन तेरे को अकल नहीं की टाइम पे आने का। मैन ये है तेरा बेस्ट फ्रेंड? जब तेंदुलकर आया था तो कपिल के साथ खेला था ना। सचिन 16, कपिल 35, फिर भी जोड़ी जमाई, हमारी भी ऐसी जमी। बहुत तेज धूप है यार। पूरे नागपाड़ा में तुम्हारे से बड़ा नगीना कोई नहीं है। धूप में मेरी पूरी चर्बी पिघल गई। इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी। थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आओ।
पापा को गुजरे एक महीना हो चुका है पर अब भी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ है। पापा, आपके दिए संस्कारों की कसम, मैं आपके कातिल को बहुत बुरी मौत मारूंगा। आज से मैं अपने पूरे राज्य में सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। हर 5 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा। हर बिजली के खंभे पर 4 कैमरास लगाऊंगा। अभी के अभी ऑर्डर करो और चाइना का माल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 लाख कैमरे और 30,000 पुलिस वालों की भर्ती जल्द से जल्द चाहिए। पापा, आपकी सौगंध है मुझे। बस बस बैठ जाइए बैठ जाइए। पापा, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे पास वापस आ जाए। रो मत बेटा, चुप हो जा। पापा की याद आ रही है? अबे वो एक्टिंग थी। पापा के नाम से ही इलेक्शन जीतेंगे, पुलिस भर्ती के नाम पर कमाई करेंगे और मलाई खाएंगे। आपकी एक्टिंग देख के तो मैं भी धोखा खा जाता हूँ। इलेक्शन नहीं जीते तो फिल्मों में ट्राई करेंगे। आनंद भूपति एक महान हस्ती। रिपोर्ट तैयार करके रखी है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, जल्दी बोल। सर, इस सरकारी जमीन पर मैं एक मॉल बनाऊंगा। प्रॉफिट में 80 मेरा, 20 आपका। कुछ एडवांस दूं क्या? मुझे रिश्वत देने की बात करता है, वो भी 20%। 80 बोलता तो मान जाता। चल निकल यहां से। ए, ये क्या शोर हो रहा है? बंद करो दरवाजा। ओके सर। तू बोल। आप तो जानते हैं कि 10 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है। अगर किसी तरह से ये सरकारी जमीन हमें मिल जाए तो हम वहाँ एक शानदार मल्टीप्लेक्स बनवाएंगे। प्रॉफिट में 90% शेयर आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट है। डॉक्यूमेंट्स दिखा। मिनिस्टर बनने के बाद पहला नेक काम। थैंक यू सर।